क्या आप जानते हैं शुगर यानी कि डायबिटीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका किस तरीके से आयुर्वेदिक उपचार किया जाए? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बार बार टॉयलेट आना, बार बार प्यास लगना, घबराहट होना, आँखों में ब्लड दिखाई देना। डायबिटीज सामान्यतः दो प्रकार की होती है। टाइप 1, बॉडी के पास इतना इंसुलिन नहीं बन पाता कि पूरी बॉडी का शुगर यूटिलाइज करवा पाए, इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर पाए, क्योंकि वह सेल्स में जाकर एनर्जी देता है। बॉडी एकदम सही अमाउंट में इंसुलिन रिड्यूस नहीं करवा पाती। इसका कारण वेन कैरियो बीटा सेल का डेड हो जाना होता है। मतलब कहने का ये है कि ये बीमारी आपकी फैमिली से मिली है जिसको रोका नहीं जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज यह 90% लोगों को होती है। हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है परंतु उसका यूज नहीं कर पाती, इसके कारण शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसके कारण मोटापा वंशानुगत शारीरिक गतिविधियां माना जाता है। फर्स्ट टाइप की डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, यह आपको आपके परिवार से मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज का कारण है इंसुलिन रेजिस्ट्रॉन के कारण ब्लड में शुगर होना। इंसुलिन रेजिस्ट्रॉन ब्लड के अंदर की शुगर को कम करने का कार्य करते हैं। इंसुलिन रेजिस्ट्रॉन ना किसी शुगर का शरीर के अंदर होना है, बल्कि वहाँ सिर्फ ब्लड के अंदर शुगर को कम करने का कार्य करती है। यदि आप इंसुलिन रेजिस्ट्रॉन को हटा लें, तो आपकी बॉडी और डायबिटीज वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शुगर वाले क्या खाएं? शुगर के स्तर को बढ़ाने वाले कारणों का सेवन ना करें, जैसे कि शराब, धूम्रपान का सेवन ना करें, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा का ज्यादा सेवन ना करें, योग और व्यायाम जरूर से करें, तला हुआ तेल की बनी हुई चीजों को ना खाएं तो बेहतर होगा, फास्ट फूड भी अवॉइड करें। शुगर कंट्रोल करने का आयुर्वेदिक उपाय, हल्दी चूर्ण शहद और आंवले का रस सेवन करें, 100 ग्राम मेथी के दाने, 100 ग्राम तेज पत्ती, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 250 ग्राम बेलपत्र, चारों को अच्छी तरह से पीस कर सुबह शाम गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। खाली पेट सेवन करने से ज्यादा फायदा होता है। किसी भी नुस्खे को अजमाने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।